देवी शक्ति। आप आ गई। आप पुकारे और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या प्रभु? परंतु ये क्या दुर्दशा बना ली है आपने? अब आप आ गई हैं ना, तो हम अपने लिए एक नए रूप, एक नए संसार का निर्माण करेंगे। एक ऐसी सृष्टि जहां केवल प्रेम होगा और हम दोनों होंगे। तुम बिन शिव नहीं शव हूं मैं सती, तुम बिन शिव नहीं शव हूं मैं सती, तुम संग झूमे गगन शिखी, तुम संग झूमे गगन शिखी। आप यहां से आगे नहीं जा सकते। नारायण का आदेश है और मैं शिवजी का समाचार लेके ही वापस लौटूंगा। मैं जानता हूं कि वो भीतर ही हैं। कृपया मुझे जाने दें। और मेरे प्रभु महादेव ने मुझे आदेश दिया है कि मेरे होते हुए इस गुफा में तो क्या कोई इस गुफा के द्वार तक भी नहीं पहुंच सकता। बिन शिव नहीं शव हूँ मैं सती, तुम बिन शिव नहीं शव हूँ मैं सती, तुम संग झूमे गगन शिखी, तुम संग झूमे गगन शिखी। महादेव 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 महादेव। नारायण 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 नारायण। ये तो गरुड़ की आवाज है, अर्थात महादेव मिल चुके हैं। प्रभु, नंदी अवश्य किसी संकट में है, आपको शीघ्र ही उनके पास जाना चाहिए।
को महादेव के अज्ञातवास का ज्ञात तो हो ही गया था, परंतु महादेव तो देवी शक्ति से बिछड़ने के उपरांत गहन दुख और वियोग में थे। प्रभु नारायण तो उस वियोग से उन्हें बाहर नहीं निकाल पाए होंगे ना। सृष्टि, तुम्हें ज्ञात है तुम हमें इतनी प्रिय क्यों हो? हाँ, क्योंकि आपको हमारे इस प्रकार प्रश्न पूछना अच्छा लगता है। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे इन छोटे छोटे प्रश्नों में झलकती हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर तो दीजिए ब्रह्मदेव। क्यों इस प्रकार आप हमारी प्रशंसा कर हमारे प्रश्नों को मत टालिए ना ब्रह्मदेव। अवश्य सृष्टि। महादेव गहन वियोग में थे, परंतु नारायण उनके समक्ष उनके वियोग को समाप्त करने के लिए एक समाधान लेकर आए। आप यहां किस लिए? ये स्वयं महादेव पूछ रहे हैं, जिनसे सृष्टि का कोई भी रहस्य नहीं छुपा है। हमें आपकी उस सृष्टि में कोई रुचि नहीं। सब बंधनों से दूर हमने यहां एक नई सृष्टि बनाई है देवी शक्ति के साथ, जहां हम आनंद में हैं। आनंद तो ठीक है महादेव, किंतु हमारी बहन देवी शक्ति कहाँ है? वे कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपको देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, वे हमारे साथ इस नए संसार में। कैसे बताएं महादेव, ये आपकी देवी शक्ति नहीं, ये सिर्फ आपकी कल्पना है। हम जानते हैं देवी शक्ति सदा ही आपके साथ होती है, किंतु अभी वो नहीं, आप उनके मोह के साथ हैं, और आपने उस मोह को आभूषण समझकर धारण किया हुआ है। हमारे लिए ये आभूषण सबसे प्रिय है। अब कैसे भी आप यहां से ले जाने आए हैं। नहीं महादेव, हम आपसे कुछ छीनने नहीं आए हैं, आपको लौटाने आए हैं। आपकी देवी शक्ति हाँ महादेव, देवी शक्ति लौट आई है और आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पर्वत राज हिमावत और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया है आपकी देवी शक्ति ने। पुनर्जन्म, नया रूप और एक नए नाम के साथ। पार्वत पार्वत पार्वत
महादेव के डमरू की धुन पर जो मुस्कुरा उठे, ऐसी तो केवल महादेव की देवी शक्ति ही हो सकती है। जिनके नृत्य में शिव हो, जिनके भाव में शिव हो, जिनके नेत्र में शिव, श्रृंगार में शिव हो, जिनकी पूजा भी शिव, जिनका फल भी शिव हो, जिनका आज भी शिव और कल भी शिव हो, महादेव आप सदा यही कहते थे ना कि देवी शक्ति ही आपकी सृष्टि है और देवी शक्ति आपसे है, देवी शक्ति की सृष्टि भी आपसे ही है महादेव। शिव बिन शक्ति अधूरी, अधूरा शिव का जीवन, शिव और पार्वती को सदा ही ये सृष्टि करेगी स्मरण। जिस क्षण की हमें प्रतीक्षा थी वह क्षण अब आ चुका है। अब देवी पार्वती पूर्णता आदि शक्ति का रूप ले चुकी है। समय आ गया है कि आप उन्हें स्वीकार लें, अपनी आदि शक्ति को, अपनी देवी शक्ति, अपनी पार्वती को। सदैव ऐसे ही हमारे साथ रहे। अवश्य, हमारे अलग होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। पार्वती, पार्वती, पार्वती। महादेव, महादेव, महादेव। मैं हमारी पार्वती के पास ले चली। क्षमा करें प्रभु, पार्वती माता तो लौट आई हैं, परंतु उनसे मिलने में थोड़ा विलंब करना होगा। अभी आप दोनों मिलकर सूर्य देव को मुक्त कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, असुरों ने उन्हें पाताल में बंधक बना रखा है। कृपया इस अंधकार को दूर करें प्रभु। देव, हमारे समक्ष दो द्वार हैं। प्रतीत होता है इन द्वारों को पार करके हमें सूर्य देव को मुक्त कराना होगा। ऐसे ही खड़े रहेंगे महादेव, क्या हुआ? आपको अपना युद्ध कौशल और शस्त्र विद्या तो ज्ञात है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भूल चुके हैं? यदि ऐसा है तो हमें सूर्य देव को अकेले ही मुक्त कराना होगा। Thank you.
क्या महादेव, हमारी सहायता करने के बदले आप फल खा रहे? हमारा सबसे पसंदीदा फल है। सहायता चाहिए, वो भी आपको? कहीं आप भी हमारी तरह युद्ध कौशल और शास्त्र विद्या तो नहीं भूल गए? पता नहीं आज सूर्यदेव का क्या होगा। सूर्यदेव यही है। प्रभु, आप दोनों स्वयं आए मेरी रक्षा के लिए। ये सूर्य सदा नमः का कृतज्ञ रहेगा। इस संसार के कुछ ऐसे भी सत्य होते हैं जो कभी नहीं बदलते सूर्यदेव, चाहे कोई भी युग आए, किंतु वो सत्य कभी नहीं बदलेंगे। जिस प्रकार आपका उदय होना इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है, उसी प्रकार नारायण और महादेव ऐसे कई सत्यों को बनाए रखने के लिए सदा साथ में आते रहेंगे। चलिए सूर्यदेव, आपके कर्तव्य पालन का समय हो चुका है। जाइए, इस अंधकार को अपने प्रकाश से समाप्त कीजिए। लौट आए प्रभु नारायण और प्रभु महादेव। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।